अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा के शंकरगढ़ गांव की सड़क जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है, इस सड़क पर 8 माह पूर्व ठेकेदार के द्वारा गिट्टी डाली गई, लेकिन गिट्टी डालने के बाद डामनीकरण करना भूल गए हैं। बता दें कि यह सड़क आधा दर्जन गांवों को जोड़ती है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है, जहां आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने साधना न्यूज की टीम से चर्चा करते हुए बताया कि सड़क नहीं तो वोट नहीं दिया जाएगा। तो मिशन 2022 के तहत जो है साधना न्यूज की टीम जो है इस समय अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा में है, और यहाँ पे ऐसा एक रोड है कि जहाँ पे जो है 8 महीने से जो है गिट्टी डाल दी गई है और उसपे जो है डामर डालना जो है भूल गए हैं, और ग्रामीणों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पे दिखा है कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गिट्टी जो है पड़ी हुई है, और जो यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे विद्यालय भी जाते हैं उनको भी काफी दिक्कतें होती हैं। वजह यह है कि यहाँ पे गिट्टी का रोड़ा पड़ा हुआ है और लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं, और यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? राम भवन यादव। क्या दिक्कतें हो रही हैं इस रोड को? अरे रोड सारा 6 महीना पहले से स्टार्ट किए, काम बंद किए हैं, काफी दिक्कत हो रही है। बच्चों के स्कूल जाने में लेट हो जाता है, आने जाने में ये खनता है बगल में खुदा इसी रोड पे। तो बननी चाहिए और क्या, बिल्कुल बननी चाहिए। तो कभी इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक को? सर हम तो नहीं किए शिकायत। कभी गए? अभी आए भी नहीं, चुनाव ना इधर चाहे हूँ। फिर कहेंगे आप? क्यों नहीं कहेंगे, हाँ बिल्कुल कहेंगे। क्या नाम पड़ता है आपका? राम भवन यादव। तो यहाँ पे आपने देखा कि राम भवन यादव का कहना है कि वो रोज प्रतिदिन इधर से निकलते हैं और काफी दिक्कतों का भी सामना होता है और आए दिन एक्सीडेंट भी हुआ करते हैं, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? मैनुअल, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है और मूलभूत मैं इसी गाँव का निवासी हूँ। विगत 8 महीने पहले से ये हमारे गाँव के लिए रोड मंजूर हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से ये मेरा काम पूरा नहीं हुआ, जबकि ये रोड एक सामान्य रोड नहीं है। इस गांव, कई गांव इससे जो है जुड़ते हैं, लोगों का आवागमन है, नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चे यहाँ विद्यालय आते हैं। जनप्रतिनिधियों को इतना भी एहसास नहीं कि वो हमारे देश के नौनिहाल भविष्य, अगर गिर जाएंगे, उनको चोट आ जाएगी, उनके भविष्य के साथ में विकलांगमय जिंदगी का जीवन आएगा, तो अपनी जीविका